हेलो गाइस, आज देखिए मैं आपको अपने घर का बना हुआ दही बड़ा दिखा रहा हूँ, जो बहुत ही अच्छे तरीके से। और मेरा ये मानना है कि ये दही बड़ा जो है मार्केट से भी अच्छे टेस्ट होंगे, बहुत ही स्वादिष्ट होगा। और घर का बना हुआ है तो बिल्कुल हाइजीन है, बिल्कुल स्वच्छ है। और इसमें तो ये पहले से हमने मटेरियल बना रखा है दही बड़ा का, ये जो भल्ले जो है ना, भल्ले इसको बोलते हैं, ये भल्ले हैं। तो ये चीज़ बना के रखा हुआ है हमने, और इसके ऊपर जो है हमने ये क्या लगा रखा है, इसके ऊपर दही। अच्छा, इसके ऊपर अब हम दही डालेंगे। और देखिए, और ये जो भल्ले है ना, एकदम साफ्ट बना हुआ है। देखिए हम दही डाल रहे हैं, दही को थोड़ा ये छान के हम डालेंगे। ये इससे क्या होगा कि जो मलाई वगैरह जो होता है वो सब चीज़ जो है लमसने पड़ेंगे। हाँ, और इसमें देखिए ये जो है हमने शुगर डाल रखा है, और शुगर जो है बिल्कुल पिसा हुआ शुगर है, वो दाने वाला शुगर नहीं है। तो ये मार्केट में भी मिल जाता है, और चाहे तो आप जो है मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो हमने दही के साथ इसको मिक्स कर दिया, और इसको जो है हम ये देखिए नीचे आप जो है ये दही को हम उसके ऊपर डाल रहे हैं भल्ले के ऊपर। और गाइज, ये घर का बना हुआ है भल्ले, और बिल्कुल सॉफ्ट है। भल्ले का भी मैं आपको बता दूंगा कैसे भल्ले बनाया हमने, जो है उड़द की दाल का भल्ले बनाया हमने, और बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मुलायम है। दही बड़ा का एक सबसे बड़ा खासियत ये होना चाहिए कि जो बड़े होते हैं, बड़ा मतलब वो उड़द की दाल का जो बड़ा बनता है, भल्ले बनते हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। जितना ही सॉफ्ट रहेगा, जैसे आपने उसको मुँह में डाला वो बिल्कुल घुल जाए, तो वही असली मज़ा देता है। ठीक है, तो गाइस ये देखिए हमने और भी ये सारा, ये घर का दही बनाया हमने, दही भी घर का है, मार्केट का नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है। गाइस ये देखिए पूरा का पूरा दही हमने इसके ऊपर डाल दिया। अब इसके ऊपर जो है हम ये डाल रहे हैं, क्या है ये, ब्लैक नमक। ये ब्लैक सॉल्ट है, ठीक है, काला नमक इसको इसके ऊपर हल्का हल्का हम डाल देंगे। और ये देखिए हमने जो है ना पुदीने की, सॉरी ये धनिया की चटनी बना रखी है हमने, ये चटनी है, और ये इमली का चटनी है साथ में। तो ये इसके ऊपर जो है हम इसका वो करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे ताकि इसका जो टेस्ट होगा बिल्कुल ही बहुत ही मस्त टेस्ट होगा, बहुत बढ़िया होगा। और ये देखिए इसके ऊपर हमने इमली का चटनी डाल दिया, और तो हमने इसके ऊपर क्या क्या डाला, तो पहले काला नमक डाला, फिर इसका धनिया चटनी डाला, फिर इसका इमली वाला चटनी डाला, और इसके ऊपर ये जीरा पाउडर, जीरा और लाल मिर्च का पाउडर हम इसको भी डाल रहे हैं। अब ये देखिए ये आपका दही बड़ा जो है तैयार हो गया है, और सर्व करने के लिए इसके ऊपर देखिए आप इस दही बड़ा को अगर आप खाएंगे, जैसे हम लोगों ने घर में बनाया हुआ है, तो अगर आप खाएंगे तो रियली मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद होगा। और वाह, आप देखिए ये स्पून से, एक मिनट जरा यहाँ पे रख के इसको काटिए, तो ये स्पून से देखिए काटने में कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है, और जैसे मुंह में डालिए बिल्कुल वो मेल्ट हो जाता है, बिल्कुल पता नहीं लगता है, तो बहुत ही अच्छा स्वाद है गाइस। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये दही बड़ा इस तरह का बनाना है, और तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में लिख के हम इसकी पूरी रेसिपी देंगे आपको। घर का चीज़ बना हुआ है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया है, आप लोग इसे घर पे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।